अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देखिए आज मैं इस तरह की जेंट्स स्वेटर के लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाने का तरीक़ा शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी उठ जाने वाली ये डिज़ाइन है। देखिए 3 पंदों की ये डिज़ाइन है और 6 सिलाइयों में बुनकर कंप्लीट हो जाती है। इसी पैटर्न पर ही मैं डिज़ाइन बता रही हूँ, तो देखिए किस तरह से बन जाती है ये डिज़ाइन। ये डिज़ाइन बैक साइड से शुरू हो जाती है। बॉर्डर डालने के बाद, बॉर्डर पूरा बुन लेने के बाद ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई है। पहली सिलाई हमें सारे पंदों को बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। सारे सिलाइयों को बैक साइड से उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। देखिए व्यूअर्स, बैक साइड से हमने पूरी सिलाई उल्टा बुन कर कम्प्लीट कर लिया। अब हम सीधी साइड पर है, तो ध्यान दीजिए व्यूअर्स, पहला पंदा हमने ऐसे ही उतारना है। एक उल्टा पंदा, एक सीधा पंदा। अब सीधे पंदे को हमें डबल धागा लपेट कर बुन लेना है। फिर से ऊन अपनी साइड करके 2 उल्टा पंदा, एक सीधा पंदा और सीधा पंदे को डबल धागा लपेट कर बुन लेना है। 2 उल्टा पंदा, एक सीधा पंदा, सीधा पंदे को डबल धागा लपेट कर बुन लेना है। 2 उल्टा पंदा, एक सीधा, सीधे धागे को डबल बुन लेना है। ठीक है, 2 उल्टा पंदा, एक सीधा। पूरी सिलाई हमें इसी तरह ही कंप्लीट करना है। 2 उल्टा और एक सीधा, सीधा धागे को, सीधा पंदे को डबल धागा लपेट कर बुन लेना है। लास्ट में 2 उल्टा पंदा। देखिए व्यूअर्स, एक पंदा हमने इसे उतार लिया, एक सीधा पंदा। अब ये पंदा जो हमने डबल धागा लपेट कर बुन लिया है, इसको ऐसे ही सिलाई पर से उतारना है, ऐसे ही, इसको बुनना नहीं है। फिर उन दूसरी साइड करके इस तरह से 2 सीधा पंदा, फिर उन अपनी साइड करके इस डबल पंदे को खोल लेना है इस तरह से। फिर उन दूसरी साइड करके 2 सीधा पंदा, उन अपनी साइड करके इस डबल पंदे को हमें खोल लेना है। रून दूसरी साइड करके 2 सीधा पंदा। पूरी सिलाई हमें इसी तरह ही बैक साइड से बुनकर कंप्लीट करना है। 2 सीधा और 1 पंदे को खोल लेना है। ऊन अपनी साइड करके इस तरह से, लास्ट में 2 सीधा पंदा। ध्यान दीजिए व्यूअर्स, एक पंदा हमने ऐसे ही उतार लिया, एक उल्टा पंदा। अब इस पंदे को हमें सीधा बुन लेना है। ये वही पंदा है जो हमने डबल धागा लपेट कर बुन लिया था, अब इसको सीधा बुन लेना है। फिर से 2 उल्टा पंदा, एक सीधा। पूरी सिलाई हमें इस तरह ही बुनकर कंप्लीट करना है। 2 उल्टा और 1 सीधा, ये वही पंदा है जो हमने डबल धागा लपेट कर बुन लिया है। देखिए बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये डिज़ाइन है, इसे बिगनर्स भी बहुत आसानी से बुन सकती है। देखिए दो उल्टा पंदा, एक सीधा। लास्ट में 2 उल्टा पंदा।
अब पीछे की साइड से फिर वही दो सीधा पंदा एक उल्टा, दो सीधा एक उल्टा, इसी तरह ही बुनकर कंप्लीट करना है। देखिए दो सीधा एक उल्टा, एक उल्टा दो सीधा, एक उल्टा दो सीधा। अब ध्यान दीजिए व्यूअर्स, ये हमारे डिजाइन की पांचवी सिलाई है। एक फंदा हमने से उतार लिया, एक उल्टा फंदा बुन लिया। अब ये वही फंदा है जिसे हमने डबल धागा लपेट कर बुन लिया था। देखिए अब यहाँ पर हमें सिलाई डालकर यहाँ जो बड़ी सी होल नजर आ रही है यहाँ यहाँ पर सिलाई डालकर एक फंदा यहाँ से निकालना है हमें इस तरह से। अब इस फंदे को इस सिराई पर लेकर इस दोनों फंदों को इकट्ठे बुन लेना है। फिर से दो उल्टा फंदा, फिर से यहाँ इस होल में से देखिए वर्स, यहाँ पर हमें सिलाई डालकर एक फंदा बुन लेना है। अब इस फंदे को इस सिलाई पर लेकर इस तरह से अब इन दो फंदों को इकट्ठे बुन लेना है। फिर से दो उल्टा फंदा, फिर से यहाँ पर सिलाई डालकर एक फंदा बुन लेना है। पूरी सिलाई हमें इसी तरह ही बुनकर कंप्लीट करना है इस तरह से। अब इन दो फंदों को इकट्ठे बुन लेना, दो उल्टा फंदा, देखिए यहाँ पर सिलाई डालकर एक फंदा बुन लेना है इस तरह से। फिर इन दो फंदों को एक फंदा बनाना है, दो उल्टा फंदा, एक सीधा फंदा। लेकिन सीधे फंदे को हम यहाँ इस होल में से एक फंदा निकाल कर इन दो फंदों को एक फंदा बनाना है। दो उल्टा फंदा, फिर से दो उल्टा फंदा, एक फंदा यहां से हमने निकालना है। देखिए और लास्ट में दो उल्टा फंदा, देखिए और यहाँ पर हमारी एक डिजाइन कंप्लीट हो गई। अब पीछे की साइड से सारे फंदों को उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। पीछे की साइड से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फिर सीधी साइड से फिर वही डिजाइन डालना है, दो उल्टा फंदा बुन लेना है, एक सीधे फंदे को डबल धागा लपेट कर बुन लेना है। फिर से दो उल्टा फंदा, फिर से सीधे फंदे को डबल धागा लपेट कर बुन लेना है। इस तरह ही बार बार यही सिलाई हम रिपीट करते जाएंगे तो इस तरह की डिजाइन बन जाती है। देखिए जेंट्स के स्वेटर पर पूरी यही डिजाइन डालकर बहुत ही खूबसूरत लगती है। देखिए अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।